देश में एक विद्यार्थी एक बच्चे के दुर्भाग्यपूर्ण देहांत को लेके उनकी मृत्यु को लेके राजनीतिक कारणों से कुछ विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं परिवारजनों को छोटे राजनीतिक लाभ के लिए। जब जनसत्ता में इंडियन एक्सप्रेस पे मैंने रोहित वेमुला की माता जी श्रीमती राधिका वेमुला जी का बयान पढ़ा तब बहुत मन व्याकुल हुआ कि कब तक इस देश में इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार का बहुत ही घिनौनी हरकतें कुछ विपक्षी दल करते रहेंगे। एक दुख से घिरा हुआ परिवार, मां अपने बेटे के गम में, परिस्थितियां परिवार की अच्छी नहीं है, ऐसे में पैसे का लोभ देके कुछ झूठे वादे देके एक मां के शोक को राजनीतिक कारणों के लिए देश भर में लेके जाना, खासतौर पे केरल में जिस प्रकार से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने उनको झांसा देके, उनको गलत वादे देके कि हम तुम्हें 20 लाख रुपए दे देंगे, 20 लाख रुपए से तुम्हारा घर बना देंगे, आप आके हमारी रैलीज को संबोधित करिए, आप जनता में आरोप लगाइए, एक दुखित घटना को गलत प्रकार से पेश करिए और फिर उस वादे को पूरा नहीं करना, थोड़ा बहुत कुछ भेज के वो भी बैंक में 2.5 लाख रुपए के 2 चेक दिए जिसमें एक चेक बाउंस भी हो जाए और माता अपने बच्चे के डिलीवरी के लिए जाना चाहती हो उस वक्त बोलना नहीं तुम केरल आओ, हमने रैली ऑर्गेनाइज कर रखी है, बहुत जरूरी है, 30-40 हजार लोगों के सामने आपको खड़ा करना है। माता शोक में परिवार में एक नया बच्चा जन्म लेने वाला हो और उस बीच में भी ये झूठा आश्वासन देके केरल लेके जाना कि वहां चेक तैयार पड़े आप आके ले लो और फिर मीटिंग होते ही फिर भूल जाना और उनको वापस रवाना कर देना। मैं समझता हूं पहली बात तो इस प्रकार की हरकतें ही गलत है। अगर शोक में कुछ मुआवजा देना भी था तो वो कंडीशनैलिटी के साथ नहीं हो सकता है। और कंडीशनैलिटी में एक दुखित परिवार को ऐसी चीजें करवाना जो बेबुनियाद है, झूठे आरोप लगवाना उनसे, ये लोभ देके, ये लालच देके कि आपको इसके निस्बत पैसे दे दिए जाएंगे, मैं समझता हूं ये इतनी घिनौनी हरकत है जिसके लिए विपक्षी दलों ने, जिन्होंने इनको स्टेज पे खड़ा किया, मुझे जानकारी मिली कि कांग्रेस अध्यक्ष तो भी इनको कई जगह पे स्टेज पे लेके इनसे बयान करवाए, उसके पीछे क्या राज है, उसके पीछे क्या मंशा थी, उसके पीछे क्या प्रलोभन दिया गया, इसका भी खुलासा होना चाहिए।
और कांग्रेस अध्यक्ष ने आज देश के सामने माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी जी ने माफी मांगनी चाहिए कि झूठ के बुनियाद पे किस प्रकार की राजनीति, किस प्रकार की ओछी राजनीति पे आज कांग्रेस उतर आई है। एक व्याकुल महिला, एक पीड़ित परिवार, शोक में, गम में मां, उनके साथ इस प्रकार का छल करने वाले लोग और राजनीतिक दल, मैं समझता हूं इस देश की जनता के कभी प्रिय नहीं हो सकते। और इस देश का हर नागरिक इस बात को गंभीरता से ले और जवाब मांगे ऐसे राजनीतिज्ञों का जो एक मां के दुख को भी राजनीतिक और राजनीतिक लाभ में परिवर्तन करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं समझता हूं आगे आने वाले दिनों में इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप प्रत्यारोप विपक्षी दल जिनकी आदत है, जिनका ये राजनीति करने का ढंग रहा है इतने वर्षों में, इनका नकाब आज देश के समक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। और मुझे मीडिया के सभी बंधुओं से अनुरोध है कि और अच्छी तरीके से पूछताछ करके जानकारियां लेके ही हमने सेंसेशनलाइज करना चाहिए कोई भी खबर को, कोई भी इस प्रकार के आरोपों को, कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार की राजनीति और ओछी राजनीति पे कुछ दल उतर आए हैं जिससे देश में जो अमन और शांति का माहौल है वो खराब नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने में नहीं विश्वास करती है, समाज का हर व्यक्ति हमारे लिए अमूल्य है, सबके साथ काम करना, सबके विकास के लिए काम करना ये हमारा एकमात्र धर्म है। और मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का शोक हो, उसको उसका राजनीतिकरण करना ये निंदनीय है, इट इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल एंड द बीजेपी कंडेम्स ऑल सच टाइप ऑफ वेरी वेरी लो लेवल ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ सच अ सैड इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड। आई फील एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द मदर एंड द फैमिली जिनको गत लगभग 2 वर्षों से इन विपक्षी दलों ने राजनीति के कारण, मैं समझता हूं जिनका शोषण किया है, और इसके लिए भारत की जनता इस प्रकार के राजनीतिक नेताओं को कभी भी माफ नहीं करेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। The mother's statements are all before us. I believe there was even an effort made to pressurize the mother to retract from what she had said, probably again on the pretext of giving her some money. So it clearly demonstrates that a number of political parties from the opposition have tried to misuse this extremely unfortunate incident for their petty political gains. And we condemn all such efforts. I just mentioned that we don't know under what pressure she was forced to make that statement, retracting what she had said 2 days ago. Dhanyavaad. Dhanyavaad.